अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में कोई खास मैं खबर आपको नहीं सुनाने वाला हूं दोस्तों। दो तीन खबरें आ रही हैं जो मैं सोचा आपके लिए बताना जरूरी है। तो सुबह भी मैंने कोई न्यूज़ नहीं बताई थी दोस्तों, इसलिए मैं एक वीडियो छोटा सा बना दे रहा हूं। तो सबसे पहली जो खबर कतर से साथियों जो आ रही है, ज़कात फंड प्रोवाइडेड 31 कतरी मिलियन एड ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। साथियों बताना चाहूँगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट औकाफ जो है इस्लामिक अफेयर प्रोवाइडेड, उन्होंने ज़कात का फंड जो आया वहाँ पे 30 मिलियन से भी ज़्यादा दोस्तों जो अप्रैल और मई के बीच में ये फंड आया है, जो कि वहाँ पे 1896 एलिजिबल फैमिली जो कतर है वहाँ उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जो वहाँ पे जो नीचे गरीब गुरबा के लोग हैं उसमें से 1896 फैमिली को कतर में मदद दी जाएगी, और ये ज़कात के जो भी पैसा है वो दूसरे देशों में दिया जाएगा, सरिया बैंक भेजा जाएगा, और जो गरीब देश खास करके दोस्तों फिलिस्तीन हो गया, सीरिया हो गया, और जो भी गरीब देश है मुस्लिम कंट्री, उन सभी जगह ये पैसे को भेजा जाएगा, लोगों को मदद की जाएगी। अगली खबर साथियों आ रही है, HH द आमिर सेंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईरान इलेक्टेड प्रेसिडेंट। साथियों बताना चाहूँगा, कतर के जो आमिर है आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी साहब ने सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन बधाई भेजी किसे, इब्राहिम रैसी को। वहाँ पे विक्ट्री प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में, उसके लिए वहाँ पे इसके लिए बधाइयाँ भेजी दोस्तों। ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो फिर से दोबारा जीत गए हैं, उसी के लिए वहाँ पे उसको बधाइयाँ भेजी गई है। और दोनों देशों के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हुई दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बिटवीन द टू कंट्रीज फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इनके बारे में बातचीत हुई है और ये मैसेज को उनको भेजा गया। अब साथियों बताना चाहूँगा, एक अच्छी खबर आ रही नेपाली भाइयों के लिए दोस्तों। जितने भी नेपाली भाई, आपको बताना चाहूँगा, जो भी नीचे क्लास के लोग हैं जैसे गरीब है, जो दूसरे कंट्री से यदि अब आते हैं तो नेपाल यदि अब आते हैं कतर से, तो आपको 15 दिन का होटल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। पर कतर नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो मतलब हेल्पर या लेबर कैटेगरी में जो काम करते थे दूसरे कंट्री में, तो यदि वो नेपाल आते हैं तो 10 दिन का खर्चा जो है होटल क्वारंटाइन का वो गवर्नमेंट उठाएगी, बाकी 5 दिन का खर्चा आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये सभी के लिए नहीं होगा, जो हेल्पर लेबर में जो काम करते थे जिसकी सैलरी कम होती है उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों ये काफ़ी एक तरह से अच्छी खबर है नेपाली भाइयों के लिए। अब साथियों COVID-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है तो 1-800-000 पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत ही मेडिकल सहायता आपको दी जाएगी। अब तक वहाँ पर 28,86,323 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब तक वहाँ पे 21,16,093 लोगों का जांच किया जा चुका है। 24 घंटे में 17,064 लोगों का जांच किया गया। जो और बताना चाहूँगा, इस पॉजिटिव जो केस 24 घंटे में आया सिर्फ 41 आया है, और जो कम्युनिटी मेंबर 24 आवर में 66 पॉजिटिव केस अब तक आया है। टोटल करंट एक्टिव केस वहाँ पर 1973 है। अब तक वहाँ पे 2,20,800 लोग अब तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं। रिकवरी पेशेंट बात करें 24 घंटे में 146 है। टोटल रिकवर पेशेंट 2,18,244 है। 24 घंटे में 1 लोगों की मौत हो गई है। टोटल वहाँ पे 583 लोग कोविड से अब तक मर चुके हैं। एक्यूट हॉस्पिटल में 24 घंटे में 6 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ करंट एक्सपीरियंस 119 लोग है। ICU में 2 लोग हैं। ICU में दोस्तों वहाँ पे बात करें तो 2 लोग हैं, और टोटल अब तक वहाँ पे ICU में 76 लोग एडमिट हैं। तो ये पूरी ताज़ा अपडेट थी COVID-19 की, और कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे।